it says that it takes a village to make a champion, and we have two crucial cogs in the wheel from that village that made Aman Sharawat the Olympic bronze medalist today. His coaches Virender Singh Ji and Jabinder Singh Ji, thank you very much for talking to us, sir. सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस मेडल ने रेसलिंग की इज्जत बचा दी, क्योंकि रेसलिंग इंडिया का एक ऐसा स्पोर्ट है जो 2008 से मेडल करते हुए आ रहा है. हम रेसलिंग के एक मेडल के लिए इंतजार कर रहे थे और इसने इज्जत बचा दी. रेसलिंग का तो पहले दिन से इंतजार था. जिस दिन रेसलिंग 5 तारीख को शुरू हुई थी उसी दिन निशा दहिया के साथ कुछ मिसहैपनिंग इंजरी होगी, नहीं तो वो लड़की भी पहले 2 बाउट और आखिरी 30 सेकंड पहले तक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी. वो भी 100% बाउट में थी, मेडल में थी. फिर अगले दिन दिनेश ने जिस तरीके से कुश्ती लड़ी है, वर्ल्ड चैम्पियन, यूरोपियन चैम्पियन, अमेरिकन चैम्पियन और हमारे पास वो गोल्ड मेडल नहीं था उसके बाद मायूस हुए थे. फिर उसके साथ साथ अगले दिन झटका हमें ये लग गया कि अंतिम ना चाहते हुए अंतिम जल्दी बाउट लूज करेगी. तो मैं कोच साहब बात कर रहे थे, लेकिन कोच साहब का विश्वास था, हमारा भी विश्वास था, मेरा चिंता को जल्दी कुश्ती का खाता खुलेगा और जल्दी ही आज हमने कर दिया. अच्छा, ये 76 साल के लिए 8वां मेडल है, 8वां ओलंपिक मेडल है. आप हमें बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है आप जैसे कोचेस के लिए जो 76 साल में 7 साल 10 साल काम करते आए. देखो जी, हम 76 साल में काम नहीं करते, हम तो नेशनल कोच हैं. हमारे पास तो पूरे इंडिया से जो सेलेक्ट होते हैं वो कैंप लगता है हमारे पास. लेकिन 76 साल में जो पहले डिप्टी डायरेक्टर थे सतपाल पहलवान जी, वो हमारे साथ के थे, तो उस टाइम तक हम वहाँ आते जाते थे. उनसे ये हेल्प होनी है, इसकी ये होनी है, इसकी वो होनी है, तो हम जैसे वो बताते थे उसकी हिसाब से हम करते. अच्छा, 28 के लिए अमन गोल्ड मेडल का दावेदार बनेगा. उसकी उम्र और उसका फ्यूचर देखते हुए बिल्कुल लगता है कि 28 का दावेदार है. एक चीज़ और, कल जब बाउट हुआ उसके बाद रात को जाकर अमन को क्या कुछ सहना पड़ा, मतलब कितना वेट बढ़ गया था, क्या कुछ आपने कराया ताकि सुबह जब उसने वेट दिया वो वेट कैटेगरी में रहे. देखो जी, ये ऐसा है जो छोटे वजन के हैं उनको थोड़ी तकलीफ परेशानी होती है वजन में. पहले दिन बड़ी आसानी से आ जाएगा, लेकिन 3 बाउट लड़ने के बाद जो अगले दिन वजन होगा उसमें परेशानी होती है. इसका हमें पहले से ही पता, क्योंकि हम भी रेसलिंग कर चुके हैं. तो हमने फिर एक ही रात को प्लानिंग कर दी थी, हमने तीनों ने बैठ कर, मैंने वीरेंद्र ने अमन ने, अब हमने रात को ही करना है. तो हमने रात को 1:30 बजे मैंने वीरेंद्र को साहब की ड्यूटी लगाई और उसको भेज दिया. इन्होंने रात के 1:30 बजे से लेकर रात के कोई 3:30 बजे 2 घंटे तक वजन घटाने का. कितना वजन घटाया एक रात में? 1.5 किलो घटाया 57 में आने के लिए. हाँ. ओके, और कितनी कसरत करनी पड़ी इसके लिए? बस जिम में 1.5-2 घंटे मेहनत करनी पड़ी. सोया बिल्कुल अच्छा? सर हम बैठे रहे ना, पहले तो यहाँ सेमीफाइनल कुश्ती होती है, उस टाइम इसका 4.5 किलो बन जा. फिर गुरु साहब ने बोला ओलंपिक विलेज में बाद में जाएंगे, एक ट्रेनिंग यही करनी है. फिर 1.5 घंटा हमने सेमीफाइनल बोर्ड खत्म होने के बाद 1.5 घंटा यहाँ की. फिर गुरु साहब ने देखा नूला, क्योंकि विनेश का झटका लग चुका था ऑलरेडी हमें, तो गुरु साहब ने बोले एक झटका हम सहन कर गए हैं, दूसरा झटका सहन करने की हिम्मत नहीं है वीरेंद्र, रात को ही ये काम करके सोना है. तो कुछ साल और हम और अमन 12:30 बजे रात को निकल गए थे जिम के लिए. 3 घंटे का हमने सेशन लिए, 3 सेशन लिए छोटे छोटे छोटे, और उसमें सोना बाथ था, ट्रेडमिल था और हल्की स्पायरिंग पार्टनरशिप थी. उसके बाद तो क्या दे दिया घंटे के, हम तो 4 बजे के करीब आए थे जब इसका वजन 57 किलोग्राम कम थी. फिर को सब मिले आप चलो. बहुत मेहनत से ये मेडल आया हुआ है आपके पास, एंजॉय करिए ये वक्त, क्योंकि सबका एंजॉय करने का है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Friday marked another great day for India at the Paris Olympic Games with wrestler Aman Sharawat winning India a bronze medal in
wrestling 57 kilogram category. He had in fact qualified in the category of Tokyo Olympic silver medalist Ravi Daya by beating Ravi in the trials. He considers Ravi as one of his gurus along with Sushil Kumar. This is also the 8th medal for the Chhatrasal Stadium, the school of Chhatrasal that has produced several great wrestlers in the past. This also is a good moment for the sport of wrestling that has gone through a fair bit of controversy in the last 1 year. Though it is a sport that has given India a medal in each game since the 2008 Beijing Olympic Games, and a lot was expected of wrestling. Aman Sharawat, with his medal, opens the door for other wrestlers to win medals as well. After Vinesh Fogart's disqualification, there was a fair bit of disappointment in the team, but that this medal would turn it around. So far as the match is concerned, it was against Puerto Rico's Darian Cruz, and he was able to take the wrestler down 13-5. He went in with an aggressive approach, and that defines Aman Sharawat, his aggressive approach at 21 that led him to the Paris podium.